के साथ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बाबा विश्वनाथ काशी कॉरिडोर दिखाने। तो दोस्तों इस पे एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि भव्य कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य है वो 80% पूरा हो चुका है और इसमें की जो सभी कार्य है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है और 80% काम यहाँ का फिनिशिंग हो चुका है। और इसकी जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है आप देख सकते हैं कि बस वही बाकी रह गया है। और को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए उसमें 22 श्रमिक लगातार तेजी से काम कर रहे हैं जिसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तराशे गए मकराना मार्बल से लेकर के 7 तरह के पत्थर से कॉरिडोर को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरा कॉरिडोर 5,27,730 वर्ग फीट भूमि पर बन रहा है। वहीं 30 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इसके लिए 314 भवनों को अधिग्रहण किया गया था। कोरोना काल में भी इसका काम नहीं रुका। तो ये देख सकते हैं गाइस, चलते हैं फेज नंबर 3 के साइड। ये देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट से ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी जूम करके दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि कॉरिडोर में एक साथ 2 लाख श्रद्धालु आ सकेंगे। पहले क्या था कि निर्माण के बाद इस विशाल गलियारे में अब 2 लाख श्रद्धालु आ सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले 5,000 वर्ग फीट जमीन भी मुश्किल से मिल पाती थी। काम पूरा हो जाने के बाद दर्शनार्थी कॉरिडोर के बाहर हिस्से से टेरेस पर खड़े होकर गंगा नदी के साथ ही मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट को भी निहार सकेंगे। वही धाम में प्रवेश के लिए बनाए जा रहे द्वार भी अपनी भव्यता से आने वाले लोगों और पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मनमोहक कॉरिडोर के विकास की कहानी बताएगा। अच्छा, अब और भी उसमें संशोधन किए गए हैं, जैसे कि 345 करोड़ से बन रहे ये ब्रांड विजन कॉरिडोर, कई संशोधन और नवंबर के लास्ट तक। हम तो बाहर से खड़े हैं, हम खड़े हैं।